नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डांस फ्लोर पे कि ये सिंपल डांस फ्लोर बेहतर रहता है या फिर एलईडी डांस फ्लोर, और इसकी प्राइसिंग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यार, वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा इससे क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ये जैसा कि आप ये जो फ्लोर देख रहे हो, ये ग्रीन और पिंक जो शीट दिख रही हैं आपको, ऐसे टोटल मैंने 12 सीट हैं और इनका टोटल फ्लोर बन जाता है 12x16 का। 12x12 का भी सफिशियंट रहता है, लेकिन मैंने 3 एक्स्ट्रा और बनवा ली कि बाय द वे कोई टूट जाए तो फिर कम से कम मेरे पास ऑप्शन रहे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा। ये जो लकड़ी नीचे की देख रहे हो, ये मरिंडी की लकड़ी है। इसको अभी मैंने पेंट नहीं किया, पीछे वाले आपको पेंट किए हुए दिख रहे हैं। ये मरिंडी की लकड़ी है, ये काफ़ी अच्छी रहती है। और बीच के सपोर्ट के लिए मैंने वो क्या सागवान की लकड़ी मंगवाई थी, लेकिन जो बनाने वाला इसका था उन्होंने क्या कर दिया, सागवान की भी कई जगह बाहर भी लगा दी, बाहर वाली साइड में सागवान लगा दिया, अंदर मरिंडी की लकड़ी लगा दी। शायद वो थोड़ा बहुत उसमें कुछ मोटा या पतला होने की वजह से, जैसे ये यहाँ पे दिख भी रहा है, ये साइज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे रह गई, तो इसने यहाँ पे तो ये मरिंडी की लकड़ी लगा दी, और उनकी साइज शायद सही थी तो वो वहाँ लगा दी, बाहर वाली साइड में लगा दी। चलो अब बात करते हैं इनकी। ये जो सलमाइका, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो दोस्तों ये 4x8 की सलमाइका जो दिख रही हैं आपको, ये ग्रीन और पिंक कलर में, ये 500 रुपये में भी आपको मिल जाएगी 4x8 की। इन दोनों सीटों पे, जैसे मान लो कि ये एक ही सीट आई थी टोटल, लेकिन मैंने इसमें अच्छी क्वालिटी की 1650-1650 रुपये की आती है, जिसको कहते हैं स्क्रेच प्रूफ, उस पर स्क्रेच नहीं लगते। अभी तो इस पर पॉलीथीन भी चढ़ी हुई है, पॉलीथीन भी मैंने उतारी नहीं है, आपको यहाँ से दिख भी रही होगी। तो मैंने ये लगवाई है, और इसमें मैंने ये जो प्लाई का यूज किया है, ये मैंने 18mm की प्लाई का यूज किया है। मार्केट में मैंने पूछा तो उनके पास सबसे अच्छी क्वालिटी की, सबसे भारी यही प्लाई उनके पास अवेलेबल थी, जो कि मेरे पड़ी लगभग क्या, मुझे थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन 2800 रुपये की एक प्लाई पड़ी थी 4x8 की, जिसके दो दो पीस बन के ये 4x4 का एक सीट तैयार होती है। दूसरी मैं आपको ये पिंक कलर वाली भी थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं, यानी कि करीबन 17-18,000 के आसपास से ये प्लाई पड़ गई थी मेरी, और हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन करीबन ये 17-18,000 के आसपास ये नीचे की लकड़ी पड़ी थी मेरे। ये देखिए फिनिशिंग इसकी, और मेरे को बहुत सोचने के बाद यही लगा कि ये लाइट कलर का ग्रीन और ये पिंक कलर यही सबसे अच्छा लगा, तो मैंने यही चूज किया। और इनका बनाने में दोस्तों कोई ज़्यादा वो है नहीं कि कोई ज़्यादा इसमें, अगर हम बिल्कुल सही साइज़ की अगर लकड़ी वहाँ से कटवा के लाते हैं, तो हम खुद भी इसको घर पे भी बना सकते हैं। आप जानते हो सलमाइका है वो कैसे है, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत अगर डाउट हो तो आप यूट्यूब पे वो चीज़ देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं ये जो, ये मैंने सलमाइका बता दी, ये और ये एल लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम का बाहर की जो चारों तरफ से दिख रहा है ना, क्योंकि फ्लोर सबसे पहले यहीं से ख़राब होना शुरू होता है, तो ये लगवाओगे ना तो ये सबसे तो क्या कहूँगा, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये करीबन पड़ जाएगा, जैसे मेरे को इसका मैं 1300 रुपये दे के आया था टोटल, जो लगभग सभी के लग गया, हालांकि उनमें से एक गलत भी साइज का भी आ गया था, लेकिन हमने वो भी लगा दिया कि कौन चेंज करवाने जाएगा उसको। शायद मुझे दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखो ये गलत साइज का आ गया था। इनका मेरे अगर आप खुद बनाओगे तो आप इतने में ही, इतने रुपयों के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जितने में ये बनवाने में आप किसी कारपेंटर या किसी मैकेनिक को दे दोगे आप, तो इससे बेहतर होगा कि उतने रुपए का, जैसे मैंने इसका 5000 दिए, तो इतने रुपए में आप इसमें जो दो चार इंस्ट्रूमेंट है ना, ड्रिल मशीन वगैरह हैं, कोई काटने वाला सिस्टम है, तो ये 2-2500 रुपए के लगभग आते हैं, तो 6000 में 3 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, वो आप लाके
आप घर पे भी बना सकते हो। तो अगर आप 12 बाई 16 का ऐसा अगर आप फ्लोर बनाना चाहते हो तो आपका अप्रोक्स 50,000 को तो क्रॉस कर ही जाएगा। हो सकता है आपके मार्केट में कोई चीज़ सस्ती मिले या महंगी मिले। हाँ, अब मैं इस लकड़ी के बारे में अगर बताऊं तो ये सागवान की लकड़ी है। ये काफ़ी अच्छी होती है और इसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए मैंने बीच में लगवाने के लिए, सेंटर में जो दो दो दिख रही हैं आपको, वो लगवाने के लिए मैंने ये लेके आया था। लेकिन इन्होंने बाहर लगा दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सागवान की लकड़ी, हालांकि ये भी महंगी है, मरिंडी की इससे भी ज़्यादा महंगी है। वो स्ट्रांग रहती है, काफ़ी मजबूत रहती है। इसमें ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, तो ये अगर टूटने का इसका खतरा बहुत कम रहता है। अब मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या क्या चीज़ बतानी है आपको ज़्यादा इसमें। और स्क्रू वगैरह लगते हैं वो आपको लाने पड़ेंगे अगर आप खुद अगर इसको बनाना चाहो तो। और एक फेविकोल का डब्बा, करीबन 5-6 केजी के आसपास आपका फेविकोल लग जाएगा, 5 केजी मान के चलिए आप। लेकिन पहले ये बनाने में जो फेविकोल चाहिए उसके लिए एक छोटा डब्बा अलग से लाएं, और जो ये सलमाइका चिपकाने के लिए आपको वो डब्बा खोलना है और उसको यूज करना है। नहीं तो क्या दोस्तों, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है ऊपर से, तो जिसकी वजह से अगर सूखा हुआ अगर इस पे फेविकोल लगा दोगे तो सलमाइका अच्छे से नहीं फिट होगी। उसके बाद एक पेंट का डब्बा है, वो बाद की बातें होती है। दोस्तों अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। जहाँ तक है मैं तो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और इसका अप्रोक्सीमेट, हाँ मैं एक चीज़ आपको ये बताना भूल रहा हूँ कि इसकी जो सलमाइका है ना दोस्तों, वो सलमाइका नहीं, इसकी जो प्लाई है ना, मैंने 18 mm की यूज़ करी थी, ये बहुत भारी हो रही है। इसमें इतना ज़्यादा वजन हो गया कि आप दो लोग भी इसको आसानी से उठा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे थोड़ा कम एमएम की, शायद 15 की मिल जाए तो ठीक है, नहीं 12 mm की भी सफिशियंट रहती है। 12 mm की प्लाई यूज करो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नहीं टूटेगी बिल्कुल। उससे क्या हो, थोड़ा ये लाइट वेट हो जाएगा। और अब हम बात करने वाले हैं जो एलईडी वाला है उससे ये कैसे बेहतर है। तो दोस्तों कई बार हम यूज़ करते हैं इनको, कहीं लगा रखा होता है, वहाँ बारिश होने लग जाती है, उसकी वायरिंग यहाँ पे कॉर्नर पे हम उसके जो तार जोड़ते हैं वो किसी के पैर में उलझ के, अगर वो मान लो वो कनेक्शन टूट जाए, किसी को करंट लगने का खतरा रहता है। दूसरी बात, वो कभी कोई एलईडी काम नहीं करती, कभी कोई एलईडी काम नहीं करती, कभी कोई सा कनेक्शन टूट जाता है, तो वो दोस्तों वो ज़्यादा टेंशन देता है। और उससे ज़्यादा यही है, आपको अगर एक ग्रीन, एक पिंक, फिर ग्रीन, फिर पिंक, ऐसे अगर लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है। कुछ लोग इसको सलमाइका को क्या ब्लैक और वाइट में भी बनवाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे, मेरे पूरे रिसर्च में मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं पिंक और ग्रीन लगवाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए दोस्तों, ये इधर आपको दिख रहा होगा, ये पिंक कलर है इधर वालों में, और ये यहाँ पे ग्रीन कलर वाला है। सो